हेलो एवरीवन, बज रहे हैं रात के 2:30। मैं उठी हूँ आज क्योंकि बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए। मैं जिसका वेट कर रही थी वो दिन आ गया है। वो गाना है ना, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। हाँ, एक्चुअली में ये गाना मेरे साथ बहुत रिलेट करता है क्योंकि मैं जब मुंबई आई थी मैंने ये सोचा था कि मुझे सबसे पहले लाल बाग के राजा के दर्शन करने हैं, पर वो कोविड की वजह से और फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती गई कि मैं दर्शन नहीं कर पाई। पर फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, उनके दर्शन करने जा रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी चाय बनाऊँगी, रेडी हो जाऊँगी। मैंने ले लिया है जल्दी से क्विक शावर क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रेडी होना है, टाइम से वहाँ पहुँचना है। अर्ली मॉर्निंग इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, 8 से 10 घंटे भी लग जाते हैं लाइंस में। और हमारे पास छोटा बेबी है तो हमें उसके साथ जल्दी जाना है और जल्दी दर्शन करने हैं। सो इसलिए हम जल्दी जल्दी से रेडी हो जाएंगे और निकलेंगे। और आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल अपने टाइम पे निकल रहे हैं, 3:36 हो रहा है सुबह का और हम अपने घर से निकल चुके हैं लाल बाग के राजा के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम सुबह के 3 बजे या 4 बजे यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे एकदम क्राउडेड है, यहाँ लोग खूब हैं और खूब भीड़ है अभी भी यहाँ पे। तो सोचो दिन में कितनी भीड़ होती होगी। कहते हैं देश का सबसे बड़ा पंडाल लाल बाग के राजा का ही है। और मुझे यहाँ पे एक टीवी एक्टर भी मिले, हितेन तेजवानी, कभी सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। लाल बाग के राजा की स्थापना, स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, कहते हैं इसकी स्थापना तब हुई थी। इसकी स्थापना मछुआरे और व्यापारियों ने शुरू करी थी 12 सितंबर 1934 में, क्योंकि समुद्र के किनारे मछुआरे रहते हैं और पहले व्यापार नाव के द्वारा ही होता था, तो इन लोगों ने ही मिलके करी। मुझे आज आज का दिन बहुत स्पेशल रहा मेरे लिए, जिस चीज़ का मैं वेट कर रही थी बहुत सालों से वो विश मेरी पूरी हुई। ऐसे ही गणपति जी मेरी सारी विशेस पूरी करें, आप सबकी भी सारी विशेस पूरी करें। उसके बाद हम गए सिद्धिविनायक मंदिर, वहाँ पे भी हमने दर्शन करे। बहुत जल्दी से दर्शन हो गए, सुबह सुबह करे थे तो मुश्किल से 15 मिनट लगे और हमने दर्शन कर लिए। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव लग रहा था, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था आज मुझको। और यहाँ सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर भी एक छोटा सा गणपति पंडाल लगा था, देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल जैसे अंदर सिद्धि विनायक जी बैठे हैं वैसा ही यहाँ पे गणपति जी को बैठाया गया है।
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वधा।